नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आईएएस की परीक्षा अंग्रेजी की एबीसीडी में उलझती नजर आती है। सरकार ने छात्रों के आंदोलन के बाद अंग्रेजी के नंबर मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं करने की बात तो कह दी, लेकिन इसके बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। छात्रों का कहना है कि मुख्य मांग को तो समझा ही नहीं गया। सवाल उठता है कि क्या सरकार छात्रों की मूल समस्या को समझ नहीं पाई है। छात्रों का कहना है कि सरकार और तमाम पार्टियां मुद्दे का राजनीतिकरण करने में लगी हुई हैं, उनकी समस्या की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या अब छात्रों के कहने से पर्चे बनेंगे और बिना अंग्रेजी के अफसर बनेंगे। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या यूपीए सरकार की गलतियों का खामियाजा एनडीए सरकार भर रही है। इसी बार हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पूरा मुद्दा बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या परीक्षार्थी तय करेंगे पर्चा? क्या बिना इंग्लिश के बनेंगे अफसर? आखिर छात्र मानते क्यों नहीं? आखिर 3 साल बाद ही हंगामा क्यों? यूपीएससी की परीक्षा में सीसेट को लेकर विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा और शोर शराबा जारी है। यूपीएससी की परीक्षा में सीसेट को मामूली बदलाव के साथ लागू रखने के सरकार के फैसले के खिलाफ जहां परीक्षार्थी आंदोलित हैं, वहीं आज राज्यसभा में विपक्ष ने खासा हंगामा किया। दूसरी ओर इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीसेट के मुद्दे पर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा कई बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं एआईडीएमके के सांसद तो सदन के वेल में घुस गए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, लेकिन सीसेट खत्म किया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने सीसेट पर अपने फैसले को सही ठहराया। सरकार ने कहा कि इतने कम समय में इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता। सरकार की तरफ से जवाब देने आए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि छात्रों की मांग के मामले में सरकार ने संवेदनशीलता से कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये यूपीए के काल में पैदा हुई समस्या है। यूपीएससी के मामले में जो छात्रों की, नौजवानों की मांग थी, उसके बारे में सरकार ने संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ कदम उठाया। हर दिन इसी मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी, तो कम से कम इतना तो यकीन और इतना तो विश्वास होना चाहिए कि जिस सरकार ने, जिस आपकी सरकार ने जो समस्या पैदा की, उसके समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने सोमवार को सदन में कहा था कि यूपीएससी की परीक्षा मेरिट में अंग्रेजी के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन सरकार के इस फॉर्मूले से विपक्ष सहमत नहीं हुआ। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध जताया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, लेकिन हिंदी भाषा के परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर इसे समाप्त कर देना चाहिए। भाषा के आधार पर छात्रों से भेदभाव गलत है। जेडीयू के अलावा दूसरे दलों ने भी सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी बात रखी। वहीं इस मामले पर नरेश अग्रवाल ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आज फिर हम नोटिस दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी सदन को नहीं चलने देगी जब तक सी सेट सिस्टम को वापस नहीं किया जाएगा, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र सरकार के इस कदम से नाखुश हैं और वो सीसेट को पूरी तरह खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों ने अंग्रेजी प्रश्न पत्र को पूरी तरह हटाए जाने तक अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए कहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए हर्षित शर्मा के साथ गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो आखिर सवाल यही बनता है कि क्या छात्रों की मांग जो थी उसे सरकार समझ नहीं पाई है? आखिर सरकार के इस फैसले के बाद भी छात्र जो हैं इतने आंदोलित क्यों हैं? शांत पूरा मामला आखिर क्यों नहीं हो रहा है? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। अमरीश रंजन पांडे कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर राम सागर सिंह नेता बीजेपी, और अनुरागेंद्र निगम छात्र हैं और रमन पटेल भी छात्र हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने जिस तरीके से मांग लगातार उठ रही है, छात्र हैं आप, आखिर अब क्या परेशानी है? सरकार ने 20 रंग जो अंग्रेजी का जो मेन अब तक जो मैटर उठाया गया था उस पर तो जो है कहीं ना कहीं समाधान करने की कोशिश की गई है ना सरकार की तरफ से? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी मांग सिर्फ इंग्लिश के जो पैसेज हैं उसको हटाने के लिए नहीं थी। हमारी मांग
एक तो इस पूरे सीसैट में जो विवाद है, जो डिमांड है, 50% क्वेश्चन जो है वो भाषा का है, उसमें इंग्लिश के 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो हटाए गए हैं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन अभी भी 23 से 24 क्वेश्चन जो भाषा का, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो मामला वो ये है कि जो ट्रांसलेशन का है वो ट्रांसलेशन इतना गंदा होता है कि कोई भी छात्र उसको जो हिंदी मीडियम का है या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अन्य क्षेत्रीय भाषा के लोग इसमें परेशान हैं। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सपोज पेपर दो लैंग्वेज में छपता है, एक इंग्लिश मूल कंटेस्ट होता है उनका वो होता है और उसके बाद हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। सपोज कोई लड़का है वो तेलुगु का है या तमिल का है या कन्नड़ का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, वो सपोज वो इंग्लिश थोड़ा बहुत जानता है, मतलब अच्छे, मतलब उतने अच्छे से नहीं जानता, ले और वो ना तो अब हिंदी बढ़िया से जानता, अगर वो तेलुगु तमिल कन्नड़ है तो इसकी वजह से वो अब ना इंग्लिश में, जो छात्र आईएएस की परीक्षा पास करने जा रहा है उसे अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए अंग्रेजी या कोई भी भाषा। ये क्या ये छात्र तय करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आना चाहिए? नहीं, क्या छात्र नहीं, किसी पेपर के अंदर किस तरीके की लैंग्वेज सेट की जाएगी ये एक छात्र डिसाइड करने वाला है। क्या एक पेपर के अंदर किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए उसको उसी तरीके से छात्र को जो है कंपीट नहीं करना चाहिए, इस तरीके से तो तमाम सेक्टर्स की बात की जाएगी, तमाम जो छात्र हैं वो इसी तरीके सामने आ जाएंगे। आप मेडिकल के जो परफॉर्मा है उसे चेंज कीजिए, फिर तो सवाल ये उठेंगे। नहीं, मेरा एक प्रश्न है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो है एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जिसमें ये साफ साफ लिखा है, ये फंडामेंटल राइट है कि भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो भाषा के आधार पर जो 50% क्वेश्चन है आते हैं वो टोटल भाषा का उसमें मुद्दा है, इसीलिए भाषा का मुद्दा उठाया जा रहा है। ठीक, तो भाषा के आधार पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। ठीक है, अनुराग इंद्र से पूछ लेते हैं, निगम आपको क्या लगता है? सर, हमने कभी ये मांग ही नहीं की कि हमारे अकॉर्डिंग आप पेपर बनाइए, ना ही हमने कभी ये मुद्दा उठाया कि अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हमारी लड़ाई मूलतः सी सेट के नेचर से है। सी सेट की अगर हम बात उसके नेचर की बनावट की करें तो उसमें से हमारी जो मांग थी कि जो वेटेज है कंप्रिहेंशन का, मेंटल एबिलिटी का, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का, वेटेज समान होना चाहिए जिससे कि एक खास वर्ग को उससे लाभ नहीं मिले। आप भी इस चीज को समझते हैं कि जो मानविकीय विषयों से स्नातक किए हैं, परास्नातक किए हैं और जो आईआईटी एमबीए मैनेजमेंट से आदमी आ रहा है उसकी गति कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज्यादा रहेगी। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज ज्यादा रहेगी, टेक्निकल नॉलेज ज्यादा रहेगी। हमारी मांग थी कि सी सेट में एक तो बेटिस समान किया जाए। हर पेपर की एक आत्मा होती है जिसको हम कहते हैं इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर उसको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड के अंतर्गत पेपर नहीं मिलेगा तो एक विशेष वर्ग को लाभ हो जाएगा। उसी वक्त एक गांव का व्यक्ति पढ़ के आ रहा है अपना ग्रेजुएशन करके, उसी वक्त एक ऑक्सफोर्ड का आ रहा है और इसी वक्त एक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ रहा है, बिल्कुल सेंट स्टीफन जैसे कॉलेजों से। तो कहीं ना कहीं उसकी स्किल में उनकी स्किल में अंतर होगा, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा। तो हमारी ये मांग थी कि जो पेपर का नेचर है वो मानविकीय विषयों। ठीक है, ठीक है, सागर साहब से जान लेते हैं, क्या सरकार समझ नहीं पाई है, क्या जो मूल समस्या है उसको कहीं ना कहीं केंद्रित करने की जो बात की जा रही थी उसे साइडलाइन हो गए हैं, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन गया है? सरकार जो दावा कर रही है कि अंग्रेजियत को जो है अलग करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि हम तो सी सेट के खिलाफ थे, हमने तो कहा ही नहीं कि अंग्रेजी हटाओ। सागर जी, नहीं, जो इन लोगों का डिमांड था, तीन डिमांड जो मुख्य रूप से हम लोगों को जो समझ में बात आ रही थी, चैनलों पर भी इस पर डिस्कशन होते रहे हैं, उसमें से मुख्य मुद्दा एक अंग्रेजी का था। तो सरकार ने अंग्रेजी को हटा करके ये कर दिया कि उसका उसमें मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इंग्लिश को हटा दिया गया। दूसरा इन लोगों का डिमांड था 11 वाले को चांस देने का, सरकार ने इस मांग को भी मान लिया और 11 वाले को 15 में बैठने का परमिशन भी दे दिया। तीसरा बात इन लोगों का था, हिंदी का जो कठिन शब्द होते थे उस पर बात चली थी, उसमें भी सरकार सहमत है कि उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और चौथा, ठीक है, आगे भी समय कम रहने के वजह से समाधान तो और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन समय कम होने के वजह से इतना किया गया है और आगे चुकी मोदी निगम यही मांग थी, हमारी मांग इंग्लिश हटाने को नहीं थी, हमारी मांग इंग्लिश हटाने को नहीं थी, हमारी मांग पूरे
सेट को रिव्यू करनी थी और सी सेट की आत्मा को तो खत्म कर दिया गया, उसके हट को निकाल दिया गया है। अब तो केवल वो बचा हुआ उसका खत्म। अगर अंग्रेजी के 8 क्वेश्चन हम लोगों को प्रॉब्लम करते हैं, अगर अंग्रेजी के 8 क्वेश्चन हम लोग प्रॉब्लम करते तो हम लोग 300 नंबर का ये जो मेंस में क्वालिफाई है कैसे पास करते? बिल्कुल, हम लोग जब 300 नंबर का उसके लिए सवाल नहीं उठाए करते हैं, सी सेट के लिए बार बार सवाल उठाए गए। 8 क्वेश्चन हम लोग उसके स्ट्रक्चर में सर दो एक 50% क्वेश्चन उस पर है जिस पर कि भाषा का मुद्दा उठता है, उसमें इन्होंने 9 क्वेश्चन सॉल्व किया है और 23 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि 23 क्वेश्चन पर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसलेशन जब भी करेंगे सर हर आदमी यह जानता है कि कोई ट्रांसलेटेड बुक आप जब पढ़ते हैं तो आपको समझने में बहुत मुश्किलें होती हैं और उस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, ये तो और बड़ी समस्या का बात है। तो 23 क्वेश्चन पर मामला नहीं सॉल्व हुआ है क्योंकि ये मामला सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मामला सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जहां ट्रांसलेशन आप करेंगे उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, कोई लड़का उस पर सही आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए ही नहीं जा सकते। ठीक, तो ये मामला नहीं सॉल्व। और दूसरा मामला एक है जो 40 क्वेश्चन के आसपास मैथमेटिक्स रीजनिंग आते हैं उस पर मेरा ये प्रश्न है कि ज्योग्राफी पर 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री पर 20 क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स रीजनिंग को 40 क्वेश्चन क्या वेटेज देने का क्या जरूरत है भाई? ये लॉजिकल है कि पेपर में हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन? मेरा इसीलिए ये सवाल है, बार बार मैं सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये चीज जो है क्या ये स्टूडेंट की आर्ट की नहीं है? ठीक है, कई मायने में मायने रखता है, तो मुझे लगता है कि साइंस और आर्ट्स के बीच बिल्कुल वही बात है कि वेटेज जैसे कोई लड़का ज्योग्राफी आपको पता चलेगा, जैसे आपने कहा कि क्या ये आंदोलन जो मांग कर रहा है क्या पेपर उसी से तय होंगे, क्या अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होना चाहिए? सर मैं एक डाटा दे रहा हूं आपको कि जब सीसेट नहीं आया था तो 2010 में जो अंग्रेजी माध्यम था उसका सफलता का रेशियो 65% था प्री में, जब सीसेट आया 2011 में तो वही बढ़कर 82 हुआ और 2012 में 82 हुआ। अब इसी के बाद मैं गैर अंग्रेजी भाषाओं का प्रतिशत देता हूं भारतीय भाषाओं का, उसमें 2010 में 35% क्वालिफाई होते थे प्री में, सीसेट आने के बाद वो सीधा 15% हो गया 2011 में और 2012 में गिरकर 14% हो गया और 2013 में मात्र 2.3%। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनको किस तरीके से परेशानी हो रही है, तमाम भारतीय भाषा के जो छात्र हैं। बिल्कुल अमरीश जी, आपके पास मैं आऊंगा, फिलहाल मुझे एक रिपोर्ट दिखानी है। जाहिर है जिस तरीके से यह आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन अब स्मृति ईरानी के घर के बाहर तक जा पहुंचा है जहां पर छात्रों ने उनके घर के बाहर जाकर प्रदर्शन किया। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सेट पर छात्रों का हंगामा जारी, राज्यसभा में भी हुआ जमकर हंगामा। सी सेट हटाने की मांग को लेकर यूपीएससी के छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल सरकार ने अरविंद वर्मा की कमेटी पर विचार विमर्श कर एक बड़ा फैसला सुनाया था, लेकिन छात्र उस फैसले से नाखुश दिखे। छात्रों का साफ कहना है कि सरकार ने हमारे साथ सरासर धोखा किया है। छात्रों के एक दल ने आज मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर भी जमकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपीएससी की परीक्षा की तारीख भी काफी नजदीक आती जा रही है और अभी ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे हम लोगों कोई मतलब कोई ना तो कोई पूछताछ हो रही है ना कोई हमें रीजन दिया गया कि हमारी रिकग्निशन क्यों खत्म की गई है, तो इसीलिए हम आज काफी मिनिस्टर से भी मिले हैं, MHRD भी गए हैं, हम लोग बीजेपी के ऑफिस भी गए थे एक बार और आज इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, देखते हैं क्या होता है। गौरतलब है कि यूपीएससी के लाखों छात्रों ने नई सरकार से उम्मीद लगाई थी लेकिन शायद सरकार ने अभी तक उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया है। पिछले 25 दिनों से ये छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की इस लड़ाई में छात्रों ने लाठियां तक खाई लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों के साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है, अब देखना होगा कि सीसेट का ये विवाद कब तक सुलझेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक के साथ नमित त्यागी की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि आखिर इन छात्रों की लड़ाई ये कहां तक जाएगी और किस तरीके से सरकार और छात्रों के बीच सहमति यहां पर बनेगी। लेकिन सवाल यही है कि अब तक इस स्थिति का जो नजारा सामने आया है उसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। अमरीश रंजन के पास चलते हैं कांग्रेस की तरफ से, आपका भी पक्ष जानना चाहता हूं। जो देन है वो यूपीए सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि यूपीए सरकार की देन है, 2011 के बाद ये स्थिति बिगड़ी है, उस वक्त जो आकलन किया गया था वो किस तरीके का आकलन था? पहली बात तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा
कि बस चले इस बीजेपी को, तो उनके घर में अगर पानी ना आए तो भी कांग्रेस को इल्जाम देंगे, और उनके घर में कोई किसी को फीवर हो तो उसमें भी कांग्रेस को इल्जाम देंगे। नहीं सब, नहीं, नहीं मुद्दे को सुनिए पहले, बात सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सी सैट के टेक्निकलिटी पे जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत है एक विश्वासघात की। 2 महीने पहले पीएमओ के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था, 3 चीजों पर उन्होंने बात करी थी मीडिया के सामने। पहली बात कि हम टाइम बढ़ाएंगे, कि इस प्रदर्शन से जो बच्चे इसमें सम्मिलित हैं उनका समय बर्बाद हुआ है, वो इस साल किस तरीके से पेपर दे पाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि हिंदी माध्यम के छात्रों या किसी भी भाषा के विचार पे मत, जो उनके साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सी सैट पे रिव्यू किया जाएगा। 3 चीज करने के बाद जो 2 महीने बाद एक लॉलीपॉप दे के उन्होंने बच्चों के साथ विश्वासघात किया। बात को जवाब ले लेंगे, उस पर क्या ये पहले पॉलिसी पैरालिसिस की बात नहीं है गवर्नमेंट की, आपकी रही थी नहीं, तब आप लोगों ने क्या करा? टेक्निकली गलती तो आप लोगों हमारे सरकार ने अगर गलती की है ठीक है, ये सरकार ठीक कर दे। अभी आप लोगों ने गलती की नहीं, ये सरकार ठीक कर दे अभी, तो आप लोगों ने देखिए, इन सरकार ने पहले कह चुका है यूपीएससी ऑटोनोमस बॉडी, आपको याद दिलाऊं इससे पहले एक मामला आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी प्रोग्राम को लेके, इनके मिनिस्टर जब इनके मैनिफेस्टो में था वो मुद्दा, और जब इनके मिनिस्टर से पूछा गया सरकार बनने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द ऑटोनोमस बॉडी, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। इस मामले में हुआ है, देखिए यूपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, नहीं सरकार ने नहीं खत्म किया है उसमें, यूजीसी के पहल पे खत्म हुआ है, आपकी सरकार मुंह मोड़ ली थी पूरे मुद्दे से। मैंने कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी का बयान है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, सेम मामला हो रहा है कि पीएमओ में क्या आपके बनाए हुए के बयानों का कोई महत्व नहीं है, इन छात्रों के आपको जानकारी है इस प्रदर्शन में क्या क्या हुआ आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। लड़कियों को इंदिरा विहार और गांधी विहार से निकाल के कमरों से पीटा गया है, लड़कों को पीटा गया जहां, क्योंकि आप भी नहीं जा सकते वहां, इतनी पुलिस फोर्स है वहां पे, जिस बेहरमी से ये सरकार जिस तरीके से घटिया काम कर रही है, उन बच्चों का क्या कसूर है जो डिमांड कर रही है उनको पीटना सही है? ये इस स्थिति के लिए जिम्मेदार, ये कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस वहां पे पीटे क्या? ये कांग्रेस की जिम्मेदारी उसकी नहीं है? आज तो दिल्ली पुलिस वहां पे का पाप, कांग्रेस के आज जो नहीं, दिल्ली सरकार जो वहां पे बच्चों के साथ वहां पे बेरहमी कर रही है, क्या वो कांग्रेस का पाप है? कांग्रेस सरकार की पुलिस है वो, जो गलत देखिए, अगर करने में सक्षम नहीं है तो प्लीज बोल दें कि हम सक्षम नहीं है, युवाओं को गुमराह मत करें। ये प्रधानमंत्री नेपाल में जाके नेपाली में बोलते हैं, इनका इंटरव्यू टाइम्स नाउ में हिंदी में आता है, पर आज हिंदी भाषी या किसी गैर लैंग्वेज की बात आती है तो चुप हो जाती है। इनके भाषण यूपीएस 2014 चुनाव के समय हिंदी 7 भाषाओं में डबिंग हुआ, लेकिन जब बच्चों के सवाल आए उन्हें 7 भाषाओं में मुकर गया पूरे तरीके से। निकम्मी सरकार है, विघटनवादी सरकार है। ठीक है, मैं एक बात निगम पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, निगम मेरा सवाल सुन लीजिए। 2011 के बाद से स्थिति बन रही है, 3 साल लग गए तमाम मुद्दों को उठाने के बाद, आखिर छात्रों की भी तो गलती है। अब तक आप लोगों ने इतना अभी आकर इस तरीके से सवाल क्यों उठाया है? नरेंद्र मोदी अगर हिंदी भाषा की बात करते हैं, एक साल से ये आंदोलन चल रहा है, एक साल से, ये गलत बात है कि हमने अभी उठाया है, एक साल से एक आंदोलन चल रहा है, तमाम पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट हुआ था, पिछले एक साल से आंदोलन चल रहा है, और ये चीज मैं मानने के लिए आंदोलन को दबा दे। अमरीश फिर आप पर आता है जवाब, मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ, क्या कर रही थी यूपीए सरकार का चल रहा था, मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ कि ऑटोनॉमी पर मैं बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये नहीं लिया हम लोगों ने आंदोलन, सड़क पे उतारा, लाठियां खाई, वाटर कैनन झेला हम लोगों ने, कांग्रेस ने केवल वही लॉलीपॉप दिया जो बीजेपी ने दिया था, 2 अटेम्प्ट। हमारी मांग थी सी सेट स्क्रैप की, आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस ठीक है, आपको एक जानकारी नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस की विचारधारा को बता दूं, यूपीएससी के इन देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जो बातें अभी जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस के रीजन में ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ, नहीं सुनने की बात, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रिजल्ट आते आते समय लगाता, नहीं सुनिए ना मेरी बात, राहुल गांधी जी के पास यूपीएससी के बच्चे गए, मैं भी था उस डेलीगेशन में जो मैं बता रहा हूँ, तो उन्हें बोला गया कि हम लोगों को इस सीसैट की वजह से समझने में हमें प्रॉब्लम हुई है, तो आपको क्या चाहिए? तो हम चाहते हैं कि हमारे अटेम्प्ट बढ़े। राहुल गांधी के इंटरफेयर से उस समय के तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2 अटेम्प्ट बढ़ाए, ठीक है, इस निकम्मी सरकार की लाठियां नहीं बरसाई, सरकार वादों
आप इल्जाम लगा रहे हैं तो पहले पिछले रिकॉर्ड देखिए बीजेपी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीजेपी के बंधु से आपसे, यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई मत कीजिए, लड़ाई कीजिए बच्चों का भला हो, क्योंकि मैं भी एक गांव से आता हूँ, उस दर्द को समझता हूँ, उस चीज को पीड़ा को महसूस करता हूँ, उस पीड़ा को समझिए। यहाँ पे राजनीति मत कीजिए चैनल पे, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है उस पर सोचिए। बच्चों की भलाई के लिए ही हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। एटेस्टेशन को खत्म कितने दिन बाद, 20 या 20 दिन में नहीं बच्चे हैं, 20 दिन नहीं बचे हैं सर। आज के छात्र इस एग्जाम में उन बच्चों का क्या होगा जिनके हाथ पे, इनके कहां गए तुम्हारे निशान दिखाओ, ये इन ये तो मामूली सी खरूच है। कितने लड़के लड़कियों के साथ वहां बेरहमी से पिटा गया, कितने बच्चे हॉस्पिटल में, उनके साथ सवाल यही है कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी के अंदर, ठीक है ठीक है, प्रधानमंत्री का डायरेक्टरेट पर निगम क्या स्टैंडर्ड जिस तरीके से दबागम पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले अभी मुद्दे को इस पर समझ लिया जाए स्पष्ट कर, ये मुद्दा नहीं स्पष्ट हो रहा अपनी लड़ाई। मैं ये कहना चाहता हूँ दो चीजें, तीन चार ऐसी बातें हैं जो कि ये कह रही है ऑटोनॉमी है। मैं ऑटोनॉमी में ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा सिविल सेवा के बारे में कोई भी निर्णय ले सकती है। तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट ऑटोनॉमस है और कोई बॉडी ऑटोनॉमस नहीं है। तो इसका बहाना लेके कि यूपीएससी ऑटोनॉमस है, ठीक है, ये बहाना भी गलत है, ठीक है। पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो ठीक है, खत्म हो गया तमाम सवाल यही है कि क्या सरकार ने अपनी तरफ से जो ये कदम उठाया है उससे छात्रों का भला नहीं होने वाला है। छात्र जिस समस्या को यहां पर उठा रहे हैं, सवाल यही है कि क्या सरकार उसे समझने में नाकाम रही है। लगातार हम इसी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और यही बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या छात्रों के और सरकार के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए उसकी कमी यहां पर नजर आ रही है। इसके साथ हमारा आज का सवाल, सुदर्शन न्यूज जो सवाल पूछ रहा है वो ये है कि क्या सीसेट को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ हमने कल ये सवाल आपसे पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा सफल रही है। इसमें जो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं उसमें 80% लोगों का मानना है कि हां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा सफल रही है और 20% का कहना है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नेपाल यात्रा में सफल नहीं हुए हैं। इसी के साथ इस खास विशेष में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।